बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में, और एक बार फिर लाऊं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पुराने पोल की, जहाँ पर सवाल आप सभी लोगों से ये था कि भाई क्या आप सभी लोग अपने मोबाइल का पासवर्ड या फिर किसी अन्य जगह का पासवर्ड 123456 या फिर 1235 या फिर कोई अन्य पासवर्ड रखते हैं। तो आप में से 66% लोगों ने कहा भाई हाँ भाई हाँ, मैं तो अलग कोई पासवर्ड रखता हूँ। और जो कि बचे सारे लोग हैं इनको आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना क्या मत दिया है। तो भाई आज का सवाल आप सभी लोगों से ये है कि भाई कल है संडे और कल मैं आऊँगा आप सभी लोगों के बीच में लाइव अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहुत सारी बातें आप सभी लोगों के बीच शेयर करनी है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो भाई किस टाइम पर मैं आऊं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम या फिर रात के टाइम, किस टाइम पर मैं आऊं आप सभी लोगों के बीच में अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, ताकि अच्छी तरीके से आप सभी लोगों से बातें कर पाऊँ, अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को कुछ बातें बता पाऊँ। तो क्या है आपकी राय, बताइएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दिए गए पोल में, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किस एक्चुअल टाइम पर आऊँ, सुबह मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्या है आपकी राय, जरा लिख के बता दीजिए मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों बात करते हैं पर सबसे पहले अपडेट की, निकल कर आता है गूगल की तरफ से। और दोस्तों अगर आप इस समय प्रेजेंट टाइम में जाएंगे गूगल पर और वहां पर आप सर्च करेंगे थैनोस, यानी कि थैनोस लिखकर आप सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको ये इमेज दिखाई देगा जो कि ये इमेज है एवेंजर का एक कंटेंट। तो जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करते ही आपको जितने सारे गूगल पर कंटेंट दिखाई देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सर्च बार में आप ऊपर से नीचे दिखाई देते हैं, वो कंटेंट ऑटोमेटिक जैसे आप उस इमेज पर क्लिक करेंगे ही नहीं तो उसके बाद जितने सारे कंटेंट है वो ऑटोमेटिक गायब होने लगते हैं, कभी इधर कभी अगल बगल तो कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगहों से गायब होने लगते हैं। हालांकि जब बाद में जो कंटेंट है ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो यहाँ पर यही देखकर लगता है कि जो एवेंजर मूवी हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, हालांकि इसके बारे में मुझे कोई इतना ज़्यादा भी पता है नहीं, तो जो ये जहाँ तक मेरी सोच है मुझे पता है थोड़ा बहुत, तो एवेंजर का मूवी लॉन्च हुआ है तो उसी को देखते हुए यहाँ पर गूगल इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे देख कर, जैसे ही मैंने इस चीज़ को देखा महसूस किया तो काफ़ी ज़्यादा देख कर खुशी लग रही है। तो भाई अगर आप भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो जरूर एक बार गूगल पर जाइए और थैनोस लिखकर उसके बाद फिर इमेज पर जरूर क्लिक करके देखिए, तो देखिए कितना ज़्यादा कूल देखने में लगता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है टिकटॉक को लेकर। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जा चुका था, और अभी तक यहाँ पर हाईकोर्ट ने, आप सभी लोगों को पता है हाईकोर्ट ने कहा था कि 24 तारीख तक जितने भी सारे मतलब बैन हुए थे उन सब के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। तो फाइनली यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस चीज़ को हटा दिया है, टिकटॉक का जो बैन लगा था वो अब हट चुका है। लेकिन सवाल यही है कि टिकटॉक अभी बैन जो था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ना तो गूगल प्ले स्टोर पर और ना ही एप्पल ऐप स्टोर पर ये टिकटॉक का एप्लीकेशन आया है। तो भाई क्या सवाल है, क्या बात है इसके बारे में, भाई तो कुछ नॉलेज मुझे है नहीं कि आखिर में क्यों ये जो टिकटॉक का एप्लीकेशन है क्यों नहीं आया है। ये तो टिकटॉक का ऑफिशियल इसका भाई अपना समस्या है। हालांकि जैसे ये टिकटॉक का एप्लीकेशन आएगा, हालांकि जहां तक अभी तक मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी जहां तक मेरे पास अभी तक ये न्यूज है, अभी तक मैंने सर्च किया है, देखा है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, तो अभी टिकटॉक का एप्लीकेशन आया नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर यार एक बार जाइए वहाँ पर एप्पल स्टोर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर, जरूर सर्च करिए टिकटॉक लिखकर। अगर आ गया है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है ओप्पो की तरफ से। और दोस्तों फाइनली ओप्पो का F11 प्रो स्मार्टफोन जो कि एवेंजर एडिशन में लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बैक साइड में एवेंजर का एडिशन देखने में मिलता है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा देता है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 27,990 रुपये, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लग रहा है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं ले लीजिए, फाइनली ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। तो भाई कुछ चीज़ें इसमें बदलाव है नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओप्पो का जो F11 प्रो स्मार्टफोन है उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है, बस हल्का सा जो ये लुक है इसका बस वही चेंज है, और बाकी सब पुरानी चीज़ें वही सिर्फ वही की वही देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल करता है लेनोवो की तरफ से। और दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुका है लेनोवो का Z6 प्रो स्मार्टफोन, जिसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर,
चार चार कैमरे पीछे के साइड में, और उसके पास स्टोरेज है इसका 512 GB, रैम है इसका 12 GB, तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन मुझे देखने में लग रहा है। हालांकि यार सारी चीज़ें यहाँ पर भर भर के आपको ये लेने में दे रहा है, बात यही है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा। हालांकि अभी तक जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे ये न्यूज़ के बारे में पता है, अभी इंडिया में ये जो Lenovo Z6 Pro स्मार्टफोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, हालांकि और सारे कंट्री में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में यही, नए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में यही।